हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन पाठक और आप देख रहे हैं जीपी टेक्निकल सपोर्ट। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। दोस्तों आजकल मुझ पर कमेंट्स आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्सों के मोबाइल हैंग होने से कैसे बचाएं, मोबाइल भाई मेरा हैंग बहुत होता है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालिए या कोई वीडियो निकाल दीजिए भाई, या आप खुद बता दीजिए। तो मैंने फिर राय ली एक मेरे फ्रेंड्स की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वीडियो ही निकाल दो, ऐसे कब तक बताते रहोगे। तो दोस्तों मैंने उनके लिए फिर एक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके बराबर में उस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी ब्राउज़र से डाउनलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन के साथ में वायरस आता है। तो दोस्तों पहली बात तो हमारी ये हो गई। दूसरी बात ये है दोस्तों, आप किसी भी ब्राउज़र को डाउनलोड मत कीजिए, जैसे कि मान लीजिए ओपरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, यूसी मिनी, इन सबको मार दीजिए डिलीट, ठीक है। और तीसरी बात है दोस्तों मेरी ये, आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करो, ठीक है दोस्तों, आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करो, जैसे मान लीजिए कि मैं मूवी है और आपकी क्या कहते हैं दोस्तों मूवी, आपकी जो एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए प्ले स्टोर कभी कभी स्पेस दिखा देता है, तो आप एप्लीकेशन को यूसी ब्राउजर या ओपरा मिनी से डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग खोलने के बाद में आपको ऐप्स के अंदर जाना है और मैं आपको एक नमूना दिखा देता हूँ किस एप्लीकेशन से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्रोमी ब्राउज़र खुला हुआ है, देखो क्रोम ब्राउज़र को आप खोल लीजिए, और उस अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा वीडियो में, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, हालांकि आपके हर एक फ़ोन में ये होता है। तो दोस्तों आप कोई भी मूवी ऐप डाउनलोड करना है आपको तो क्रोम से डाउनलोड कीजिए। अब आती है दोस्तों आपके सामने दूसरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 360 सिक्योरिटी को भया दीजिए अपने फ़ोन से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आपके दोस्त ने किया, भाई अरे यार मेरे फ़ोन में तो 360 सिक्योरिटी है और मेरे फ़ोन में तो कभी वायरस नहीं आता है, अरे हाँ जी हाँ, अरे यार तुझे नहीं पता इसमें देख ये कूलर सा है और मैं इससे भी खोल लेता हूँ, और देख यहाँ से देख मैं इस पंखे को चलाऊंगा और सारा वायरस भाग जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये एक आपके फ़ोन को खाली स्कैन कर देता है, हालांकि आपके वायरस को नहीं भगाता है। तो दोस्तों आपको इसको भी डिलीट कर दीजिए, यानी अनइंस्टॉल कर दीजिए। और तीसरी बात आती है दोस्तों यहाँ पर, मान लीजिए अब मैं फाइल खोल के दिखा देता हूँ कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया ब्राउज़र से, और ब्राउज़र से डाउनलोड करने के बाद में आपने कर दिया अनइंस्टॉल, पर उसकी जो आपकी फाइल थी वो आपके मेमोरी कार्ड में या फ़ोन मेमोरी कार्ड में रह जाती हैं। तो जैसे कि दोस्तों मेरे सामने ये 360 सिक्योरिटी, 360 लॉग एम, ठीक है, ये फालतू के फोल्डर हैं, तो आप इन्हें कर दीजिए डिलीट अपने फ़ोन से, भगा दीजिए इनको, क्योंकि दोस्तों यही तो आपके फ़ोन की रेड़ मारते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए कि आपके फ़ोन में वायरस है
तो मुझे बताइए, मैं आपको और बढ़िया तरह से समझा दूंगा। पर जो भी मेरी ट्रिक्स थी वो मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए। और दोस्तों मुझे ध्यान आ गया, मैं एक और बात बता देता हूँ। मान के चलिए आपके फ़ोन में व्हाट्सअप ग्रुप ज़्यादातर आप ले लेते हो, उन्हें भी आप कम कर दीजिए, क्योंकि उनमें भी कुछ फाइलें आ जाती हैं, जैसे यूट्यूब चैनल की वो आ जाती हैं लिंक, तो उन जैसे वो तो चलो उसमें तो वायरस होता नहीं, जो बाकी की लिंक है आप उनको खोल तो लेते हो पर आपको पता नहीं कि इसमें वायरस है या नहीं है, तो प्लीज़ उनको भी आप ज़्यादातर छेड़िए मत। और फालतू का कोई भी अपने मोबाइल में अटरम झतरम नहीं रखिए, क्योंकि ये सब फालतू का है। तो थैंक यू।